हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे गर्मी का मौसम आ गया है, इस टाइम हमें गर्मी के फूलों के पौधों को लगाना चाहिए नर्सरी से लाकर या बीज से। तो आज की वीडियो में उन्हीं पौधों के नाम शेयर करूंगी जो अप्रैल से पूरा दिसंबर तक हमें ढेरों फूल देते हैं। आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, साथ ही तेज बहुत ज़्यादा धूप भी होती है और लू भी होती है। उस कंडीशन में भी अगर आप अपने गार्डन में ढेरों फूल चाहते हैं तो लिली के किसी भी वैरायटी को ऐड कर सकते हैं बहुत ही आराम से। इस टाइम बल्ब से इस पौधे को ग्रो करना बहुत ही इजी होता है, बल्ब इनकी बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। इस पौधे को ब्लैकबेरी लिली कहते हैं, फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये पौधे तो ऐसे होते हैं कि अगर इसके एक बल्ब अगर आपने समर सीजन में इस टाइम लगा रहे हैं तो एक ही सीजन में ये ढेरों पौधे हैं फ्री में हमारे गार्डन में तैयार भी कर देता है। अगला जो हमारा पौधा है इसे गंधराज गार्डनिया या सुगंधराज कहते हैं। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आती है, अच्छी क्या बोलूँ, मतलब इनके फूल अगर एक हमारे गार्डन में खिल रहा है तो उसकी महक हमारे पूरे घर को महका देती है। इतनी तेज इनकी खुशबू होती है, बड़े बड़े साइज़ के इनके फूल होते हैं। साथ ही इनके फूल एक दिन खिलते हैं लेकिन इस गर्मी में कम से कम दो हफ्ते तक खिले रहते हैं। दो हफ्ते तब रख सकते हैं जब इनके फूल एक बार खिल जाते हैं, तब इनको थोड़े से शेड में रखना चाहिए, दिन भर की धूप में बिल्कुल भी नहीं। तब इनके फूल बड़े ही फ्रेश दिखते हैं, जैसे आप सामने देख सकते हैं कलियाँ इनकी ढेरों आती है। साथ ही इस टाइम इनके पौधे हमें नर्सरी में देखने को मिल जाता है। इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 60 से 100 या 150 रुपीज़ में मिल जाता है। वो पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा पौधा ले रहे हैं। तो इस टाइम नर्सरी अगर जा रहे हैं तो गंधराज को ज़रूर ऐड करें। ब्लीडिंग हार्ट बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है जो पूरे साल भर फूल देता है, लेकिन एक ही शर्त पे जब हम इस पौधे को स्टेम खरीदते हैं तब, क्योंकि पूरे साल ये पौधा हमें नर्सरी में नहीं मिलता है। समर सीजन में ही इनके बहुत सारे कलर हमें नर्सरी में दिखने को मिल जाता है, वो भी 50 से 60 रुपीज़ में। हमारे लोकल नर्सरी का प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके वहाँ का क्या प्राइस है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। ये एक शेड लविंग प्लांट है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास लास्ट ईयर का कोई पौधा होगा तो आप देखिएगा कि उनकी पत्तियाँ सारी झड़ चुकी होगी, तो ऊपर की हल्की हल्की सी प्रूनिंग कीजिए, पौधे की अच्छी तरह गुड़ाई कीजिए, बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या जो भी खाद आप यूज़ करते अच्छी तरह 2 इंच की मिट्टी को हटाकर आप खाद से इसे अच्छी तरह भर दीजिए। कुछ ही दिनों में पत्तियां आने के साथ साथ इनमें कलियां भी आ जाएगी और आपका पौधा एकदम हरा भरा हो जाएगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका पौधा ख़राब हो गया, वो फूल देने के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। और एक बात शेयर करती हूँ, अगर आपको कटिंग मिल रही है तो इस टाइम इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। हमारा अगला पौधा है पेंटास। पेंटास की बात मैं क्या करूं, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही कम केयर में ये पूरे साल भर फूल देता है। वैसे मैंने दिसंबर तक कहा है लेकिन ये दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी भी फूल देता है। और इस टाइम मेरे गार्डन में ये 2 कलर खिल रहे हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं। गुच्छों में ये फूल देता है और इनके फूल जब खिलते हैं तो कई हफ्तों तक खिले भी रहते हैं, कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक। एक बार फूल खिलने के बाद इन पौधों को कुछ दिनों तक मॉर्निंग की सनलाइट में रखना चाहिए तो इनके जो फूल होते हैं ना वो दिखने में लगते हैं कि एकदम फ्रेश है, कलर इनका फैट नहीं होता है, जैसे लगता है कि आज ही खिला होगा। तो इस खूबसूरत से सस्ते दाम में मिलने वाले 50 से 60 रुपये में मिल जाता है, कटिंग भी इसकी बहुत जल्दी लग जाती है। तो कटिंग अगर आपको मिल रही है ना तो इस टाइम ज़रूर कीजिए, और अगर आपके पास मदर प्लांटें हैं तो कटिंग करने से बिल्कुल भी मत घबराइए। अगला हमारा शीट लविंग जरबेरा है। जरबेरा बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी महीनों तक खिले रहने वाला एक फूल होता है। कई सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं, डबल शेट सिंगल सेट में इनके फूल होते हैं। पूरे साल भर ये पौधा हमें फूल देता ही रहता है कंटिन्यू। एक बार फूल देने के बाद इनके जो फूल होते हैं कम से कम महीनों तक खिले रहते हैं। तब इनमें बहुत अच्छी तरह खाद दीजिए, पानी थोड़ा सा कम मात्रा में देना होता है, ज़्यादा पानी देने से इनमें फंगस का अटैक हो जाता है। और कम पानी अगर दे रहे हैं तो पत्तियाँ सूख जाएगी, फूल जो खिलते हैं वो भी
सूख जाती है। तो आपको रोज़ ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो रोज़ पानी दीजिए, नहीं तो एक दिन छोड़ छोड़ कर अगर हम पानी देते हैं तो ये पौधा ख़राब नहीं होता है, क्योंकि शीट में रहते हैं ये पौधे। अगला हमारा एक्सोरा है। एक्सोरा को पहले आप देख लीजिए कितना प्यारा इसका फूल होता है, और गुच्छे आप देखिए, बंच में ये फ्लावरिंग करता है और एक बंच में कम से कम 60 से 70 इनके फूल होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कितना छोटा सा पौधा है, देखिए ट्रॉफिन की वैरायटी होती है, टॉल में भी इनकी वैरायटी होती है, उनमें भी सेम इसी तरीके से फूल खिलता है। इनकी कलर तो ढेरों हमें नर्सरी में मिल जाता है। साल भर अगर आपको फूल लेना है इस पौधे से, वैसे मैंने दिसंबर तक कहा है लेकिन ये साल भर फूल देता है, तो इसी टाइम आपको नर्सरी से इस पौधे को लाना पड़ेगा। इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 150, 200, 300 रुपीज़ तक का मिलता है, पौधे की हेल्थ के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग। तो आप ना देरी करते हुए अगर सोच रहे हैं आगे आने वाले दिनों में आपके गार्डन में भी ऐसे खूबसूरत फूल खिले, तो एक्सोरा को ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब इनके फूल खिल जाते हैं तब थोड़े से मॉर्निंग की सनलाइट में रखें, दिन भर की सनलाइट में इसे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपके गार्डन में बहुत कम धूप आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप एक्सोरा को ऐड करें। अगला हमारा पौधा है बोगनवेलिया। जिनके पास टाइम नहीं है और चाहते हैं कि हमारे गार्डन में बहुत सारे कलरों के फूल खिले, तो बोगनवेलिया की कई सारी वैरायटी को आप ऐड कर सकते हैं। इनके डबल कलर, सिंगल कलर के फ्लावर मिलते हैं, कम पानी में, तेज़ धूप में ऐसे ही खिले रहते हैं। अगर आप 2 से 3 दिन तक भी तेज़ गर्मी में इसे पानी देना भूल जा रहे हैं तो भी ऐसे ही खिलते रहते हैं इनके फूल। ये ग्राउंड में बहुत ही बड़ा साइज का पौधा हो जाता है। इनकी टॉल वैरायटी और ड्रॉप वैरायटी भी आती है। नर्सरी में इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 60 से 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाता है। कटिंग इसकी बहुत जल्दी लग जाती है, पेंसिल पुट कटिंग लेनी चाहिए, 5 इंच की ऊपर की टिप की कटिंग लेकर अगर आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में इसे लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। जब इसमें फ्लावरिंग आना शुरू करे या फ्लावर एक बार देने के बाद ये रेस्ट पीरियड में रहता है 10 से 12 दिन, उस टाइम आप इसे अगर अच्छी तरह खाद दे तो ये दोबारा से फूल देने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही ये पौधा पूरे साल भर फूल देता है, तो ऐसे पौधे को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला हमारा टोरिनिया है। टोरिनिया गर्मियों में फूल देने वाला और पूरे साल भर फूल देने वाला ये पौधा होता है। समर सीजन में इनके फ्लावर कुछ ज़्यादा ही खिलते हैं लेकिन साल भर ये धीरे धीरे फ्लावरिंग करता ही रहता है। इनके फूल छोटे छोटे से होते हैं, पौधे भी छोटे होते हैं, ये सेल्फ सीडिंग भी प्लांट होते हैं। इनके जब सीड ऐसे सीड पॉट में तैयार हो जाते हैं फूल स्पेंड होने के बाद, उनमें से छोटे छोटे से ब्लैक कलर के सीड ग्रो होते हैं, उनको बिखेर कर हम किसी भी टाइम फ्री में प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इस टाइम आप ऑनलाइन इनकी सीड परचेस करके भी इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। सिंगल कलर, डबल कलर में इनके फ्लावर होते हैं। अगर आपके पास बहुत कम जगह है और ढेरों सारे कलरों के फूल चाहते हैं तो टोरिनिया के पौधों को आप ला सकते हैं, क्योंकि इनके ढेरों सारे कलर भी मिल जाते हैं। साथ ही ये 5 इंच के छोटे छोटे गमले में लग कर आपको ढेरों फूल साल भर देते रहते हैं। अगला हमारा जो पौधा है वो है बिनका। बिनका को अगर आपने गर्मी में ऐड नहीं किया तो आपका गार्डन सूना रह जाएगा, क्योंकि ये सबसे कम प्राइस में मिलने वाला, सबसे अधिक फूल देने वाला हमारा समर सीजन का फ्लावर क्वीन होता है। इस पौधे को ज़रूर ऐड कीजिए। इनके कलर आप देख सकते हैं सामने, डबल कलर, सिंगल कलर के इनके फ्लावर होते हैं। हाइब्रिड जो होती है वो इस टाइम नर्सरी में इनकी छोटी छोटी पौध मिलना शुरू भी हो गया होगा, तो छोटी पौध को ला के आप इस पौधे को लगा सकते हैं। ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है, 2 से 3 घंटे की अगर मॉर्निंग की या दिन की किसी भी टाइम की धूप मिल रही है तो ये पौधा बहुत खुश रहता है। तो ये थे कुछ पौधे जिन्हें आप इस टाइम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में अपने गार्डन में ढेरों फूल लेने के लिए। तो नर्सरी अगर जा रहे हैं तो इन पौधों को ज़रूर ऐड करें। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।